वीडियो का टाइटल है मोदी पीएम मोदी के काम करने का तरीका देख दुश्मन भी दीवाना। तो वीडियो देखते हैं और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। नरेंद्र मोदी साहब जो है उनको कहा जा रहा है कि वो सन ऑफ सॉइल हैं, और मैंने ये सुना है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये नहीं कि मैं आप कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं, ये मैंने भी ऐसे ही सुना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा कम सोता है और उसने रात को भी ऑफिस खुला होता है, पीएमओ और भी चीजें ऐसे। तो ये तो देखिए ना, आजाद जहन है, यानी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि लोग खींचे चले जाते हैं उनकी तरफ और उनकी सोबत में रहते हैं तो बदलने लगते हैं। लेकिन जो असल बड़ा बहरान मुल्क में है वो इस वक्त मईशत है, और ये गालिबन एक बदतरीन बहरान अगर मैं इसे कहूं जो आने वाले कुछ अरसे में हम देख सकते हैं सामने, वो बज़ाहिर नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास 7.5 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो लगातार तीसरे हफ्ते भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि उनका कौमी खजाना 550 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। डॉलर तो गायब हो गया मार्केट से, डॉलर तो 222-223 पे आपको बैंक का रेट, वो मार्केट में आप जाएं तो आपको 245-50 से कम डॉलर नहीं। IMF की मनमानी शराइत पर कर्ज लेकर पीडीएम सरकार ने अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए। अवाम की अक्सरियत ने IMF के कर्जों को मुल्क की मौशी बदहाली की बड़ी वजह करार दे दिया। और हमें कुछ 34 अरब डॉलर चाहिए। लोग वाकई प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ है इंडिया की, ग्लोबल स्टेज पे जो उनका आना है इंडिया का, दे बिलीव कि दिस इज जेन्युइन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सन ऑफ द सॉइल हैं। भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के काम करने के तरीके की सराहना हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रात को भी नहीं सोता, और पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी के अपने देश के लिए काम करने के तरीके का दीवाना हुआ पड़ा है। आज भारतीय अपने प्राइम मिनिस्टर पर आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को IMF ने अगली किस्त देने से साफ इनकार कर दिया है, और IMF प्रोग्राम के लिए उसने कड़ी शर्तें रख दी हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में डॉलर्स का रेट बढ़ रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान में डॉलर्स गायब हो रहे हैं, बहुत ही जल्द पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांसेस अब 80% के ऊपर चले गए हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। नरेंद्र मोदी साहब जो है उनको कहा जा रहा है कि वो सन ऑफ सॉइल हैं, जो गुजरात के इलेक्शन है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उनकी जो 2024 की कंपेन है वो बेसिकली अभी हो रही है, और यहीं से फैसला पता चलेगा कि वो जो है वो उनकी क्या पोजीशन होगी। सारा कुछ तो जनाब सरकार में दे देते हैं, 3 घंटे सोते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है, और मैंने ये सुना है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये नहीं कि मैं आप कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं, ये मैंने भी ऐसे ही सुना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा कम सोता है और उसने रात को भी ऑफिस खुला होता है, पीएमओ और भी चीजें। अभी हम बात करें गुजरात की, गुजरात में 7 बार बीजेपी जीत चुकी है, 7 बार, और ये वाला टर्म जीतते ही एक रिकॉर्ड बन जाएगा इंडिया में, 32 बार एक स्टेट पे शासन करना। 75 साल आजादी को हो गए, लगभग लगभग आपने आधे टाइम शासन किया। एक यहाँ टर्म होती थी पहले एंटी इनकम्बेंसी, हर जगह यूज की जाती है कि भाई लोग आपसे परेशान, 5 साल परेशान होंगे और आप भाई छोड़ो, आपसे नहीं होगा, हम किसी दूसरे को मौका देंगे। मोदी जी ने उस टर्म को बदल दिया, उसका अब नया टर्म आया प्रो इनकम्बेंसी, कि भाई तुमने अच्छा काम किया तुम्हें फिर चुना जाएगा, अच्छा काम करो फिर चुना जाएगा, फिर अच्छा काम करो फिर चुने जाओगे। आज तक का सबसे ज्यादा गवर्नेंस का रिकॉर्ड हमारा CPM का था, कम्युनिस्टों का था यहाँ वेस्ट बंगाल में, क्योंकि आपको एक टाइम पता था कम्युनिस्टो ही जीतते थे और तो और वहां कोई पार्टी नहीं थी। जब ये रिकॉर्ड आपकी बार आएगा तो वो कम्युनिस्टों का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा 32 साल का। और अब नरेंद्र मोदी जी की इमेज देखिए ऐसा क्यों होता है, 3-4-5-6 चीजें बताऊंगा आपको। 8 साल से एक छुट्टी नहीं की, 8 साल से एक छुट्टी नहीं की। लास्ट टाइम जब गुजरात के CM थे, जो पैसा उनके पास था वो जाते जाते जो अपने लोअर लेवल का स्टाफ हो तो उनको दे दिया, 56 लाख या 60 लाख रुपए इकट्ठा किया था सैलरी, बोला यार ये दे दो अपने जो तुम्हारी बेटी उनकी शादी में लगा लो, जो गिफ्ट मिले उसको ऑप्शन किया, 200 करोड़
गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन में डाल दिया, एजुकेशन तो गर्ल चाइल्ड सबको पता है। अब वो चीजें बताऊं, जब दिल्ली आए तो अब एक थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये अभी एक आए ऐसे वाहिद नेता है, ओनली वन लीडर जिसके पास 45 इयर्स का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। बोलोगे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कैसे, जब ये आरएसएस के प्रचारक थे या आरएसएस से ही संगठन मंत्री ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी नियुक्त होता बीजेपी में, कई बार प्रभारी भी नियुक्त होता। 15 साल इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर काम किया, 15 साल, मतलब गरी कोचे की धूल बलोचानी, सुबह का खाना खा, रात का खाना खा, कुछ नहीं पता। नेक्स्ट ये 15 साल सीएम रहे, अब 10 साल इन्हें पीएम हो गए। ऐसे टक्कर का, ऐसे क्रेडेंशियल का और कोई नेता हमारे पास है ही नहीं। अभी पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देखिए, एट इस एज डज एनीबडी हैव 45 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन सीएम देन पीएम, देयर इज नोबडी। पर्सनल क्रेडेंशियल्स पे आइए तो पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स हो गए। ही इज नॉट करप्टेबल, इवन सीआईए की भी रिपोर्ट है, ये जानते, ही इज नॉट करप्टेबल, करप्शन नाम की चीज है नहीं। इनका जो माँ है उनके भाई के पास रहती है, इनका भाई पेट्रोल पंप पे साथ तेल भरता है, अब भी तेल भरता है पेट्रोल पंप पे। कोई वो अमीर रईस नहीं बन गए, वो वही है, भाई वही है, भाई भतीजे भांजे, किसी का वाला नहीं किया, कोई पार्टी में नहीं है। लास्ट टाइम जब इलेक्शन था तो इनकी माँ ऑटो में बैठ के, थ्री व्हीलर होता ना ऑटो हमारे यहाँ चलते हैं, आपके चलते हैं, उसमें बैठ के वोट देने आई थी। सीमा से बोल सुनो आपको, जब प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में आए, ये लोक कल्याण मार्ग, यहाँ 6-7 मकान है अंदर, ये सब बड़ा पूरा मतलब आबोली कॉम्प्लेक्स है। इन्होंने जिस, अब जहां भी ये रहते जो उस मकान में, वो मुझे नहीं पता, पर ये मुझे पता है कि 19 ट्रक सामान निकलवाया वहां से। कह रहा यार मुझे सामान क्या क्या करना, एक कमरे में रहते हैं, जैसे प्रचारक बन के एक कमरे में रहते थे, अब भी एक कमरे में रहते हैं। आटा चीनी दाल गेहूं अपने पैसे का खरीदते हैं, एलपीजी का सिलेंडर अपने पैसे का खरीदते हैं, एक नौकर है इनका उसको भी तनख्वाह खुद देते हैं, जूता मोजा रुमाल कपड़ा अपना खुद खरीदते हैं, सिर्फ सरकारी शायद मेरे को लगता मकान और बिजली है, अब ये नहीं पता मुझे, शायद बिजली का बिल भी खुद देते हैं, इसकी मुझे नहीं पता। अब अगर ऐसा आदमी आता है, आप वर्ल्ड में आसपास देखिए लीडर कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, उनके पास कितने मिलियन बिलियन निकलते हैं, यहाँ तो बीवियों के पास 600 मिलियन निकलते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब आपके ऐसे क्रेडेंशियल्स हो, करप्शन नहीं कुछ नहीं, या आपका आगे पीछे का खाका साफ है, क्लीन है, डायरेक्ट है, तो एक पीपल कनेक्ट बनता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ मैं थिम्पू की बात करूँ, दमन तक जाऊँ, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, एक पीपल कनेक्ट बनता है बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी। लेकिन जो असल बड़ा बहरान मुल्क में है वो इस वक्त मईशत है, और ये गालिबन एक बदतरीन बहरान अगर मैं इसे कहूँ जो आने वाले कुछ अरसे में हम देख सकते हैं सामने, वो बज़ाहिर नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास 7.5 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए, और हमें कुछ 34 अरब डॉलर चाहिए, 34.5 हैं और 34 चाहिए, और उसमें से 22 अरब डॉलर के हमने कर्जे देने, और 10 से 12 अरब डॉलर का खसारा है। और ये फरूख सलीम साहब की एक स्लाइड अगर हम देखें कि हमारे पास जखायर कितने रह गए हैं, तो 7.5 पाकिस्तान के पास, अगर मैं इसको भी देखते हैं कि क्या मतलब है इसका, अफगानिस्तान के पास 9.7 है, हमारे पास 7.5 है, अच्छा बांग्लादेश 33 है, इजिप्ट यानी आप देखें, और इंडिया जाता है 550 तक गालिबन, और पाकिस्तान 7.5 पे, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है, हम अफगानिस्तान से जरा हम बात, और ये आने वाले चंद दिनों में महंगाई का तूफान, क्या डॉलर तो गायब हो गया मार्केट से। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया, और भाई साहब मोदी जी के बारे में बात हो रही थी कि वो ना सन ऑफ सॉयल है, और गुजरात में जो उनका डंका तो भाई इतने सालों से बजता आ रहा है और अब भी बजेगा, क्योंकि इस दफा तो केजरीवाल भी गुजरात में उतरे हैं, तो मुकाबला तो होगा लेकिन जीतेंगे तो भाई मोदी जी, हमारे इतना मुकाबला दिखाई नहीं देगा, नहीं हाँ, नहीं जीतेंगे तो वही मोदी जी, और लेकिन केजरीवाल कुछ एक आधी सीट अगर निकाल जाए, अगर वो नहीं ना देगा, अगर वो उधर गए हैं तो कुछ ना कुछ तो सीटें निकालेंगे, उधर कोई लोग उनको लेकर गए ही है ना, उनको कुछ दिखा है तभी तो गए, अगर हार, जहाँ पर हार होगी बार बार वहां पे तो बेइज्जत होने वाली बात, असल में ना घर का मेदी वो कहते हैं ना लंका डाय, तारक भाई जहाँ पर जो वो खुद खड़ा होगा ना, हो सकता असल में वो दो सीटें मिले, अगर किसी घर से कमजोर कर ले किस सियासत है उनकी। बाकी बात करें सियासतदानों की, तो भाई साहब मोदी जी जो है ना, ये बात जो उनकी ना सबसे यूनिक है,
भाई साहब देखो वो 3 घंटे सोते हैं, हमारे वजीर आजम सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। वो अलग बात है कि करप्शन के लिए अपना तगड़ो करते हैं और ये अपने मुल्क के लिए करते हैं। फर्क थोड़ा सा है मान लिया, लेकिन सोते भाई 2 घंटे ही है। बीमारी क्या है? 5 बीमारी। भाई साहब इतनी करप्शन करते हैं, करप्शन के लिए दिन रात उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से 5-5 बीवियां जिसकी हो उसको लेकिन आपने मेरे खाद उसको तो अपना सोने का वक्त भाई साहब देना चाहिए। भाई पैसा है ही नहीं पाकिस्तान, किससे करप्शन करनी है? ओ भाई साहब एक मशवरा करना हो ना तो लंदन जाना पड़ता है। अब तो लंदन वालों ने भी निकाल दिया है, और ठिकाना ढूंढे अमेरिका के अंदर, वहाँ पर डॉलर है। डॉलर नहीं है, मोदी जी की वाइफ नहीं, वो कैसे इतना जाग लेते हैं? मैं सोच रहा था भाई क्यों जागते हैं, वो कंट्री के लिए जागते हैं। तो शहबाज शरीफ की वाइफ है, 5-4 तो वाइफ है इनकी, वो 2-2 घंटे भी दे तो 8 घंटे तो रात होती है। मार के कितनी रात? 10 घंटे की कह लो, 7-8 घंटे की रात होती है तो 2-2 घंटे भी दे तो भाई साहब। और सबसे यूनिक बात तारक भाई ये है, उसके जो वालस उसके भाई है, भतीजे है, उसकी माँ है, वो देख लो उसी घर में रह रही है। भाई साहब एक मुसलमान लीडर को ऐसा होना चाहिए, एक मुसलमान लीडर को ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, जो इस्लाम तालीमात देता है, तालीमात पे यहाँ पे चलता कौन है? तो भाई वो फॉलो होना चाहिए, होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा होना चाहिए, इस तरह का उधर है देखने बाहर वाले कंट्री जो तरीक में मुसलमान वो इसी बेस पर खेती कर रहे हैं। और भाई साहब उनके जिस्म पर खुशबू अतर वो नहीं लगाया करते थे सरकारी खजाने से? फ्रांस का ना वो फुटबॉल की टीम आ रही थी, मैं देख रहा था, वो ना एंट्री कर रहे थे कतर के अंदर, उनका जो ना बूढ़ा था उनका कोच, उसने अपना जो है ना सामान वगैरह खुद उठाया हुआ था। इतना बड़ी टीम का इतना बड़ा कोच सामान उसने खुद उठाया, ये होती है तरक्की का राज। ये नहीं है भी जिनके रिश्तेदार और हमारे हुक्मरानों के साथ या जो पाकिस्तान साथ क्यों लगती हैं पैसे के लिए, इनके साथ मिल जाओ पैसा खुद ब खुद। भाई साहब पाकिस्तान में कोई एक बताया भी उसका कोई बंदा उनकी दूर के रिश्तेदार दाम ना लगाओ, झूठल दाम लगा, दूर का कोई रिश्तेदार भी कमजोर हो। हेलो करीबी तो करीबी हो गया, दूर का कोई रिश्तेदार को छोड़ो जो खुद से लोग लग जाते हैं उनके साथ हो, किसी लगता है पैसे के लिए लगते हैं, होता कहीं से भाई साहब यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं भाई, हम भाई झूठ। बाकी मोदी जी की बात करें तो भाई योगी और मोदी की ये बात है, छुट्टी भी नहीं की मोदी ने तो इधर भाई इधर काम कब होता है पाकिस्तान में? ये तो रोज अपना दौरे करे बाहर जाके मशवरे करे। जो है मुश्किल तमाम की हो रही है और आए दिन हमारे कोई भी कैबिनेट का बंदा इधर नहीं होता, दौरे कर रहे होते हैं मतलब वो, और तुम सारी आपका ये जो है रजा नसरुल्ला गुम्मन साहब कभी देखा इलाके में आए? वो तो रहती है अमेरिका के अंदर जब एमएनए जो है एमएनए है, कभी इलाके में देखा है आपने? वो तो ये बात जब लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं बोलते हैं वो है ही नहीं इधर अमेरिका, तो नहीं भाई ये ऐसे कर रहे हैं बातें इधर उधर हो जाते हैं। मैंने ना वीडियो देखी थी मोदी जी के घर के हालात भी देखे थे और योगी जी के, वो तो भाई बोलूं तो भाई वो हमसे भी मैं कहता हूँ वो ना थोड़ी सी ना हल्की पोजीशन में थे, उनकी हालत जो थी और उनके मतलब मकान भी पूरा था। भाई साहब उन्हें पता है हमने मरना है, खुदा के सामने पेश होना है, कल जवाब देना है कि मैंने इस पोजीशन पर जिंदगी गुजारी है। हमारे लोगों को तो कोई खुदा का खौफ ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं कि हमने मरना है। हजरत अली का था ना कारोबार, उसने छोड़ दिया जब उसको खिलाफत मिली, उसने बोल दिया अगर मैं अगर ये कारोबार करता तो लोग बोलेंगे उससे कारोबार अपना चला रहा है, तो इसीलिए अगर मैं हुक्मरानी आप चाहते हैं कि मैं करूं तो आप उसके इवज मुझे मुआवजा दिया करेंगे उसमें से जो पैसे इकट्ठे करते हैं। ये होती है मुसलमानों की हुक्मरानी अगर करनी होते अगर मुल्क को चलाना हो तो। भाई साहब मुसलमान और वही रूल उधर इंडिया में है दिखाई दे रहा है, मुसलमानों का नाम क्यों बदनाम करते हो तुम लोग? छोड़ो ये मुसलमान, ये तो भाई सियासत है, हम इनको मुसलमान नहीं बोलते, हम इनको सियासतदान बोलते हैं।
इस तरह अच्छे तालिबान बुरे तालिबान, ये अच्छे सियासतदान और बुरे सियासतदान। सही बात है, इंडिया के पास अच्छे सियासतदान है, इंडिया तरक्की कर रहा है, हमारे पास गंदे सियासतदान है, बुरे सियासतदान है। इंडिया पाकिस्तान दिवाली कगार पे खड़ा है, $7.5 बिलियन जो है वो हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, जिसमें से 3 बिलियन जो है वो सऊदी अरब का है, जब उनका जीजा उठा और सोना है, कुछ सोना है और कुछ चाइना का थोड़ा बहुत है, तो ये हमारे पास रिजर्व है, वो भी उधार में लिया हुआ। बाकी अगर बात करें हमारे शहबाज शरीफ की, तो वो भाई सोते नहीं है, 2 घंटे सोते हैं, उनको कोई बीमारी है, और जब उन्हें जो बीमारी है वो भी मैंने बताई है भाई, आपने बता दी, कुछ मैंने बताई। हाँ, ब्लड कैंसर नहीं है, पैसे का कैंसर है, तो उनको वो 2 घंटे धोते हैं 24 घंटे में, तो जब टाइम रखा हुआ सोने का, तो ऊपर 2 बंदे भी लगा के रखे हैं, काम सोते हैं और तरक्की फिर भी कर रहे हैं, बैकवर्ड नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। ये तरक्की कर रहे हैं नीचे की तरफ, प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो रहा है पाकिस्तान का, कुछ तो कर रहे हैं भाई, एक जगह पर स्टेबल तो नहीं है ना। चले जी, ये पाकिस्तान का ऐसे ही नाम बदनाम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लीडर मिले हैं, मैं कहता हूँ 10 साल और चला लेना ये पाकिस्तान को, वो भी बड़ी बात है। तो किसी, मैं यही बोलूंगा, किसी आतंकवादी को देने से बेहतर है कि इंडिया को दे दे, चलो तरक्की तो हो जाएगी हमारे। बहुत ऊंचे ख्वाब देख रहा है तू। सही बात है, दिवालिया के कगार जब होगी तो क्या हालत सूरत हाल होगी, देख रहे यहाँ पे मर्डर होंगे, यहाँ पे कत्ल होंगे, यहाँ पे चोरी डकैती सारा शरेआम हो जाएगा। सही बात है, लूटपाट आम हो जाएगा, भाई कानून हर कोई अपने हाथ में हाथ में लेगा, तो ये सूरतेहाल पैदा होने से अच्छा है कि पाकिस्तान जो है ना, वो जिनसे लिया था उनको बोलेंगे ये लो भाई वापस, हमसे नहीं चल, लेकिन ऐसे नहीं देंगे, यूक्रेन की तरह अपनी जो है आपको पिटवा कर देंगे, ऐसे देंगे। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या बताएं भाई, दिल जो है ना वो टूटा टूटा सा लगता है। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।